सो हे गाइस वेलकम बैक। सो गाइस सर आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ टॉप 5 हेडफोन्स अंडर 10,000 इन इंडिया। तो गाइस काफी ज्यादा अमेजिंग वीडियो होने वाला है तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। अभी गाइस मेरे को पता है कि यहाँ पे जो भी हेडफोन्स मैं बताने वाला हूँ इनके प्राइस रेंज थोड़े से ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे ये वाला प्राइस रेंज सिलेक्ट करने के पीछे भाई कुछ रीजंस भी है। अभी गाइस बात कुछ ऐसी है कि यार आज से लगभग 3 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे यार मैंने बताया था हेडफोन एंड ईयरफोन के अंदर कौन सा गेमिंग के लिए बेस्ट है। सो गाइस उस वीडियो के अंदर मैंने कुछ हेडफोन्स एंड ईयरफोन के रिकमेंडेशन यार आप लोगों को दिए थे जिनके प्राइस रेंज यार 1000 के नीचे थे। अभी गाइस उस वीडियो के अंदर आप में से कई सारे लोगों ने मेरे से कमेंट में पूछा कि यार भाई आप लोगों को ऐसे हेडफोन चाहिए जिनका भाई थोड़ा सा हाई स्पेसिफिकेशन हो एंड आप लोगों का बजट भी अराउंड 10,000 के आसपास था। तो गाइस बस इसी रीजन से मैंने ये वाला प्राइस रेंज को सिलेक्ट किया है। अभी गाइस यहां पे वीडियो के अंदर मैं जितने भी हेडफोन्स बताने वाला हूं इनके प्राइस भाई 10,000 तो नहीं लेकिन 5,000 से लेकर यार 7,000 के बीच में होगा। अभी गाइस एक और बात, इस वीडियो को जितने भी हेडफोन्स के बारे में बताने वाला हूं वो भाई सारे डिवाइस के लिए कंपेटेबल है, मतलब भाई इनको आप लोग पीसी से लेकर कंसोल एंड अपने एंड्रॉइड या आईओएस डिवाइसेस के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हो। अभी गाइस इससे पहले कि मैं सारे हेडफोन्स के नाम आप लोग को बताऊं, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को ये वाला वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज से वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना, बिल्कुल मत बोलना। मतलब यार पिछले 2 महीनों से ये सारे हेडफोन्स के ऊपर हमने रिसर्च किया है फिर जाके मैं ये वाला वीडियो बना रहा हूं, तो काफी ज्यादा मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। सो प्लीज से यार वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना, बिल्कुल मत बोलना। तो गाइस अभी बात करते हैं हमारे पहले हेडफोन के बारे में। सो गाइस हमारा पहला हेडफोन हाइपरएक्स की तरफ से है, तो ये है भाई हाइपरएक्स क्लाउडएक्स एचएक्स, तो काफ़ी ज़्यादा एक सही हेडफोन है। अब यार मेरी बात करूँ तो पर्सनली मैं इस हेडफोन को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा था। अब यार इस हेडफोन के सबसे अच्छी जो खासियत है काफ़ी ज़्यादा एक लाइट वेट हेडफोन है, इसी के साथ इसका जो कम्फर्ट लेवल है वो भाई एकदम नेक्स्ट लेवल एंड बहुत ज़्यादा सही है। अभी गाइस ये वाला हेडफोन स्पेशली उन लोगों के लिए सुइटेबल है जो लोग भाई हेडफोन काफ़ी टाइम तक पहन के रखते हैं, मतलब अगर आप लोग बहुत लंबी गेमिंग सेशंस लेते हो। इसी के साथ यार नॉट ओनली गेमिंग सेशंस, अगर आप लोग कोई भी ऐसा काम करते हो जिसमें यार आप लोग को हेडफोन काफ़ी टाइम तक पहनना पड़ता है, सो ये वाला हेडफोन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सही होने वाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा एक अच्छी कंफर्टेबल इस हेडफोन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। अभी कहीं इसके साउंड क्वालिटी की बात करें तो इसके ऊपर ज़्यादा बात करना बनता ही नहीं है क्योंकि भाई हाइपरएक्स की ब्रांडिंग है तो साउंड क्वालिटी एकदम नेक्स्ट लेवल है। इसी के साथ अगर आप लोग भाई गेमिंग के लिए स्पेशली इस हेडफोन को लेने वाले हो तो डेफिनेटली ये भी काफ़ी अच्छा एक चॉइस होने वाला है क्योंकि भाई इस हेडफोन के अंदर जो छोटे छोटे मतलब फुटस्टेप वगैरह की साउंड है ना वो आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली सुनाई देगी। तो गाइस डेफिनेटली ये वाला हेडफोन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी चॉइस होने वाली है। अभी गाइस इस हेडफोन की प्राइस की बात करूँ तो यार इसके प्राइस काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होते रहते हैं। सो गाइस इसका एग्जैक्ट जो प्राइस है वो मैं इस वीडियो के अंदर नहीं बता पाऊंगा क्योंकि भाई हो सकता है कि अभी मैंने कोई प्राइस बताया एंड वो आगे जाके बदल जाए तो आप लोगों को लग सकता है कि भाई मैंने वीडियो के अंदर गलत बताया है। इसलिए यार मैंने इस वीडियो के अंदर भाई नॉट ओनली ये वाला हेडफोन, किसी भी हेडफोन के एग्जैक्ट प्राइस के बारे में बात नहीं किया है। अभी यार आप लोगों को इनके प्राइस जानने हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को लिंक देखने को मिल जाएगा। अभी गाइस ये सारे हेडफोन्स अमेजोन के अंदर अवेलेबल है एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर जितने भी लिंक्स हैं वो सारे भाई अमेजोन के ही लिंक्स हैं, तो डेफिनेटली अगर आप लोग भाई डिस्क्रिप्शन के लिंक से इनको परचेस करते हो तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा कम प्राइस के अंदर ये हेडफोन्स देखने को मिल जाएगा। तो गाइस अभी बात करते हैं हमारे सेकंड हेडफोन के बारे में। सो गाइस सेकंड हेडफोन है भाई हमारे आसूस की तरफ से आने वाला आसूस TUF H5 लाइट। तो गाइस डेफिनेटली ये भी एक गेमिंग हेडफोन है लेकिन इस हेडफोन की सबसे अच्छी बात यह है कि यार इसमें आप लोग गेमिंग के अलावा भी बाकी सारे मीडिया कंजप्शंस बहुत ही इजीली कर सकते हो क्योंकि गाइस यार इसका बेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड इसी के साथ इसके अंदर काफ़ी अच्छा ट्रिबल भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, तो ये भी काफ़ी अच्छा एक चॉइस है आप लोगों के लिए। अभी गाइस इस हेडफोन के 2 वेरियंट्स अवेलेबल है, एक तो यार TUF H5 एंड दूसरा TUF H5 Lite, जो कि यार मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है। अब यार मैंने दोनों ही वेरियंट को इस्तेमाल किया है एंड पर्सनली मेरे को ये TUF H5 Lite ज़्यादा पसंद आया है क्योंकि यार पहले तो इसका प्राइस कम है एंड गाइस इसका बेस एंड ट्रिबल भी ज्यादा अच्छा है। सो गाइस इसीलिए यार इस वीडियो के अंदर मैंने ASUS TUF H5 Lite को रेकमेंड किया है। तो गाइस अभी बात करते हैं हमारे थर्ड हेडफोन के बारे में। सो गाइस थर्ड हेडफोन है हमारे कॉर्सेयर की तरफ से आने वाला HS60 Pro। अभी गाइस ये भी एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा हेडफोन है एंड इस हेडफोन की सबसे ज़्यादा अच्छी बात जो है वो है इसका नॉइज़ कैंसिलेशन। तो गाइस इस हेडफोन के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी नॉइज़ कैंसिलेशन देखने को मिल जाएगी। अभी गाइस यार ये वाला भी काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल हेडफोन है, तो गाइस डेफिनेटली इस हेडफोन को भी आप लोग काफ़ी लंबी सेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, तो डेफिनेटली इसके अंदर भी आप लोग को काफ़ी अच्छा एक एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। तो गाइस अभी बात करते हैं हमारे फोर्थ हेडफोन के बारे में। तो गाइस फोर्थ हेडफोन है हमारे क्रिएटिव साउंड BlasterX86, तो काफ़ी बड़ा नाम है एंड डेफिनेटली ये हेडफोन भी काफ़ी ज़्यादा मेरे को अच्छा लगा। तो गाइस ये वाला जो हेडफोन है ये स्पेशली मीडिया कंजप्शन के लिए लाइक इससे आप लोग गाना सुन सकते हो एंड मूवीज़ देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। अभी गाइस इस हेडफोन का जो बेस है ना वो भाई लिटरली बहुत ही ज़्यादा हाई
आई है एंड मेरे को भाई बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। सो गाइस ये वाला हेडफोन मैं मेनली भाई गाने वगैरह सुनने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। गेमिंग के लिए बात करूँ तो यार ये गेमिंग के लिए इतना ज़्यादा सुइटेबल नहीं है। अभी गाइस अगर आप लोगों का मेन पर्पस गेमिंग है तो यार मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, मैंने बाकी सारे जो हेडफोन्स बताए उन पर आप लोगों को जाना ज़्यादा सही रहेगा। बाकी यार ये वाला हेडफोन गेमिंग के अलावा बाकी सारे काम के लिए बहुत ही ज़्यादा सुइटेबल है। अब यार इस हेडफोन के अंदर आप लोगों को एक RGB लाइटिंग भी देखने को मिल जाती है तो ये भी काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है। एंड गाइस अगेन से अगर आप लोग पे एक नॉर्मल गेमिंग करना चाहते हो, मतलब इतना कुछ हाई लेवल गेमिंग नहीं है आप लोगों का, तो डेफिनेटली इस हेडफोन की मदद से भी आप लोग बहुत ही इजीली इतने लेवल की गेमिंग को अचीव कर सकते हो। अभी गाइस बात करते हैं हमारा फिफ्थ एंड मेरा पर्सनली सबसे ज़्यादा फेवरेट हेडफोन के बारे में। सो गाइस ये वाला हेडफोन भी हाइपरएक्स की तरफ से है, क्लाउड स्ट्रिंगर। तो आई नो कि ये वाला हेडफोन का नाम आप में से ज़्यादातर लोगों ने पहले से सुना है। अभी गाइस इस हेडफोन की सबसे ज़्यादा अच्छी बात जो है कि भाई वो इसका प्राइस पॉइंट है। अभी गाइस इसका जो प्राइस पॉइंट है इस वीडियो के अंदर मैंने जितने भी हेडफोन्स बताए हैं सबसे ज़्यादा कम है। तो गाइस अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि इसका प्राइस कम है तो ये वाला हेडफोन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा तो आप लोग बिल्कुल ही गलत हो। ये वाला हेडफोन सच में बहुत ही ज़्यादा सही है। अभी गाइस इस हेडफोन का भी ब्रांड हाइपरएक्स है तो इसका साउंड क्वालिटी भी डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा सही है। इसके अलावा भी इसका जो कम्फर्ट लेवल है वो भी बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है। तो गाइस डेफिनेटली ये भी काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा हेडफोन है। अभी गाइस इसके प्राइस पॉइंट के हिसाब से बोलूँ तो यार आप लोग अगर ये वाला हेडफोन लेते हो तो गाइस सिर्फ गेमिंग नहीं बाकी मीडिया कंजप्शन के हिसाब से भी आप लोग एक अलग ही लेवल को एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो डेफिनेटली ये वाला हेडफोन भी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा एक अच्छा डील होने वाला है। अभी गाइस मेरे को जितना याद आ रहा है कि भाई अमेज़न के अंदर इस हेडफोन के ऊपर कोई ऑफर भी चल रहा है तो डेफिनेटली यार इस हेडफोन को जरूर से एक बार चेकआउट कर लेना। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को सारे हेडफोन्स का लिंक देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस यही था आप लोगों के लिए हेडफोन रिकमेंडेशन अंडर 10,000। तो गाइस अभी अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों का बजट थोड़ा सा कम है तो यार आप लोगों के लिए मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग प्लीज से जाकर मेरा पहले वाले वीडियोस को देखो। वहां पे मैंने एक वीडियो के अंदर भाई 100,000 हेडफोन के बारे में बताया है एंड एक और वीडियो के अंदर मैंने अंडर 2,000 के हेडफोन्स के बारे में भी बताया है। तो गाइस आप लोग अपने हिसाब से उन वीडियोस को भी जरूर से चेकआउट कर लेना। उन वीडियोस के अंदर भी आप लोगों को काफी सारे अच्छे अच्छे हेडफोन्स देखने को मिल जाएंगे जिनके प्राइस रेंज भी काफी ज्यादा कम है। तो गाइस अभी वीडियो को स्किप करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों से शेयर करनी है। तो गाइस बात दरअसल ऐसी है, गाइस हमारे चैनल के ऊपर अभी यार अमोंग अस एंड भाई कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल की एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम लोग हर दिन एक नए गेम प्ले वीडियो को अपलोड करते हैं एंड गेम प्लेस काफ़ी ज़्यादा औसम होते हैं। तो डेफिनेटली वो वाले गेम प्लेस को ज़रूर से चेकआउट कर लेना। कुछ गेम प्लेस के लिंक मैं आई बटन के ऊपर दे दूंगा तो यार डेफिनेटली वहाँ से भी आप लोग जाके अभी के लिए चेकआउट कर सकते हो। एंड वैसे तो यार हर दिन नए गेम प्लेस आ रहे हैं तो डेफिनेटली यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। अभी यार वीडियो के स्टार्टिंग में जैसा आप लोगों को मैंने बताया था, प्लीज़ से वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि भाई काफ़ी सारी मेहनत लगी है इस वीडियो के ऊपर। अब ये वीडियो पसंद है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगा कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए यार गुड बाय।